हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अनदर मैथमेटिक्स पजल वीडियो। चलिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, 7 + 77 जिसका सम आपका इक्वल दिया गया है 79 के इक्वल दिया गया है। नेक्स्ट 6 + 66 जिसका सम आपका इक्वल दिया गया है 62 के इक्वल दिया गया। नेक्स्ट 8 + 88 जिसका सम आपका इक्वल दिया गया है 81 के इक्वल दिया गया है। और आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, 5 + 55 किस चीज के इक्वल होगा, ये आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में फाइंड करना है। चलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 10 सेकंड्स दे देता हूं। अगर आप इन 10 सेकंड्स के अंदर अपना आंसर निकाल देते हैं तो आप अपना आंसर हमें कॉमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। अगर आपने 10 सेकंड्स के अंदर अपना आंसर निकाल दिया है तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, 7 + 77 जिसका सम आपका इक्वल होता है 84 के इक्वल होता है। और आपको यहां पे इक्वल दिया गया है 79 के इक्वल दिया गया है। नेक्स्ट 6 + 66 जिसका सम आपका इक्वल होगा 72 के इक्वल होगा। और आपको यहाँ पे इक्वल दिया गया है 62 के इक्वल दिया गया है। नेक्स्ट 8 + 88 जिसका सम आपका इक्वल होता है 96 के इक्वल होता है। और आपको यहाँ पे इक्वल दिया गया है 81 के इक्वल दिया गया है। और लास्ट में आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, 5 + 55 जिसका सम आपका इक्वल होगा 60 के इक्वल होगा। और आपको यहीं पे बताना है कि क्वेश्चन मार्क्स की जगह यहाँ पे आपका कौन सा नंबर आएगा। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सिंपली आपके पास क्या फॉर्मूला बनेगा, सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है, आपको प्लस करना है x प्लस y करना है। और उसके बाद आपको माइनस करना है, उसमें 5 के मल्टीप्लायर्स माइनस करना है। यहाँ पे जो x की वैल्यूज रहेगी वो रहेगी फर्स्ट नंबर्स एंड जो y की वैल्यू रहेगी वो रहेगी आपके यहाँ पे सेकेंड नंबर्स रहेगी। चलिए इन सभी वैल्यूज को हम आपको फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं। सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है, आपको प्लस करना है x प्लस y करना है। यहाँ पे जो x की वैल्यू रहेगी वो रहेगी 7 और जो y की वैल्यू रहेगी वो रहेगी आपके यहाँ पे 77 रहेगी। यानी कि आपको प्लस करना है 7 + 77 करना है जिसका सम आपका इक्वल होगा 84 के इक्वल होगा। और 84 में आपको माइनस करना है 5 का मल्टीप्लायर्स, यानी कि आपको 5 का फर्स्ट मल्टीप्लायर यहाँ पे माइनस करना है, जो कि आपके पास रहेगा 5 का फर्स्ट मल्टीप्लायर 5 रहेगा। यानी कि आपको माइनस करना है 84 माइनस 5 करना है जिसका सम आपका इक्वल होता है 79 के इक्वल होता है। वो 79 आपको मैंने स्क्रीन पे भी दिख रहा है। इसी तरह नेक्स्ट में भी आपका सेम फॉर्मूला यूज होगा। यानी कि सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है, आपको प्लस करना है x प्लस y करना है। यहाँ पे जो आपका x की वैल्यू रहेगी वो रहेगी आपका 6 और जो y की वैल्यू रहेगी वो भी रहेगी आपके यहाँ पे 66 रहेगी। यानी कि आपको प्लस करना है 6 + 66 करना है जिसका सम आपका इक्वल होता है 72 के इक्वल होता है। और 72 में आपको माइनस करना है 5 का नेक्स्ट मल्टीप्लाई जो कि आपका रहेगा 10। यानी कि आपको माइनस करना है 72 माइनस 10 करना है जिसका सम आपका इक्वल होता है 62 के इक्वल होता है। और 62 आपको मैं स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। इसी तरह नेक्स्ट में भी आपका सेम फॉर्मूला यूज होगा। यानी कि सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है, आपको प्लस करना है x प्लस y करना है। यहाँ पे जो आपका x की वैल्यू रहेगी वो रहेगी 8 और जो y की वैल्यू रहेगी वो रहेगी आपका यहाँ पे 88 रहेगी। यानी कि आपको प्लस करना है 8 + 88 करना है जिसका सम आपका इक्वल होगा 96 के इक्वल होगा। और 96 में आपको माइनस करना है 5 का नेक्स्ट मल्टीप्लाई जो कि आपका रहेगा 15 रहेगा। यानी कि आपको माइनस करना है 96 माइनस 15 करना है जिसका सम आपका इक्वल होता है 81 के इक्वल होता है। और 81 आपको अपने स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। इसी तरह सेम फॉर्मूला का यूज करके आप क्वेश्चन मार्क्स की वैल्यू को भी फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है, आपको प्लस करना है x प्लस y करना है। यहाँ पे जो x की वैल्यू रहेगी वो रहेगी 5 और जो y की वैल्यू रहेगी वो रहेगी आपके यहाँ पे 55 रहेगी। यानी कि आपको प्लस करना है 5 + 55 करना है जिसका सम आपका इक्वल होगा 60 के इक्वल होगा। और 60 में आपको माइनस करना है नेक्स्ट 5 का मल्टीप्लाई जो कि आपका रहेगा यहाँ पे 20 रहेगा। यानी कि आपको माइनस करना है 60 माइनस 20 करना है जिसका सम आपका इक्वल होगा 40 के इक्वल होगा। यानी कि जहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क्स दिख रहे हैं वहां पे आपके पास क्या आएगा, 40 आएगा। अगर आपने पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। आई होप दिस वीडियो फाइंड इन्फॉर्मेटिव। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।